तो हमसे माफी पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, चलो मेरे साथ शहर। क्या लाई हो? दिखाओ। खीर आपके लिए बना है, आपकी पसंद की। आप बताइए, रखेंगे व्रत? हाँ, हम अभी भी व्रत रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं। पता है, जब हमारी शादी तुमसे हुई तब हमें नहीं पता था कि हम तुमसे शादी कर रहे हैं, और जब सच पता चला तो हमें बहुत गुस्सा आया। पर इतने दिनों में हम ही तो समझ ही गए हैं कि तुम्हारा मन कितना साफ है, तुम कितनी सच्ची हो। और अब हम ये भी समझ चुके हैं कि भगवान जी हमारी शादी तुमसे क्यों होने दी, क्योंकि तुम ही लिखी थी हमारी किस्मत में। हमने तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा था और हमारी शादी अधूरी रह गई थी, पर आज हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के उस शादी को पूरा करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्णा से अपनी मांग भरवाने की? ये जानते हुए कि मैं कृष्णा से प्यार करती हूं। दीदी, आपकी आदर्श वापस। कृष्णा मेरा है, सिर्फ मेरा। उसको छीनने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? क्यों मांग भरवा रही थी तुम कृष्णा से? ये तो कुछ अलग ही पासा पलट गया, पर इसका फायदा कैसे उठाया जाए ये जल्दी से सोच लेना चाहिए हमें। बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा से? ये हमारे पति हैं। शादी करेंगे हमसे? यहाँ से कुछ दूरी पर शिव मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। हम बबलू से कहकर शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। दीदी, हम बता देंगे हमने ऐसा क्यों किया। वो वक्त कुछ ऐसा हो गया था कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था।
मुझे अपनी गंदी जबान से दीदी मत कहना तुम। तुम जानती थी कि कृष्णा मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, फिर भी तुमने उससे शादी की क्यों? हम बताते कि क्या हुआ था। उसने 4 घंटे में मुझे गांव के पास वाले शिव मंदिर में मिलने के लिए कहा। तुम्हारी बहन नैना सज संवर के हमारे लिए सुहाग की सेज पर इंतजार करेंगे। हमको जल्द से जल्द ही घर में आना था ताकि आपको बचा सके। हमारे पास वक्त बहुत कम था। ठाकुर ने कहा था कि वो आपके साथ सुहागरात मनाएंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं था दीदी इनके लिए। फिर भी पवित्रा, इस सब में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कृष्णा से शादी करने की क्या जरूरत थी। तुम तो जानती थी ना कि कृष्णा मुझसे कितना प्यार करता है। तुम उसको ये सब बता सकती थी, वो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी लड़ाई लड़ने में तुम्हारा साथ देता। फिर भी तुमने ऐसा किया। कृष्णा, क्या तुम जानते थे कि तुम पवित्रा से शादी कर रहे हो? कृष्णा की खामोशी इस बात की गवाही है कि वो नहीं जानता था कि वो तुमसे शादी कर रहा था। पवित्रा, नैना, पवित्रा को दोष मत दो। हमने इस पे बहुत गुस्सा किया पर उस वक्त और कोई रास्ता था ही नहीं। तुम भी इसके साथ मिले हो? तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। दीदी, नैना, अब इस बात का अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। कभी नहीं सोचा था कि जिस बहन को ढूंढने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी, वही बहन मुझसे मेरा प्यार छीन लेगी। नैना, आप तो का सच में लागत है कि तोरी बहन तोरे साथ ऐसा कर सकत है? जब रनका बोले, हमरा यकीन कर, जो कुछ भी पवित्रा ने किया तोरी खातिर किया, और उनका सबसे बड़ा सबूत हम है। भैया, आप इस सब में अगर कोई दोषी है तो हम हैं। बड़की नहीं। पवित्रा, पवित्रा दरवाजा खोलो। देखो, हम नैना को समझाएंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। पवित्रा दरवाजा खोलो। पवित्रा, तुम्हें हमारी कसम पवित्रा, पवित्रा दरवाजा खोलो। पवित्र, ये हमसे कहा हो गया? कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत गलत किया है नैना दीदी के साथ, बहुत गलत। नहीं पवित्रा, तुमने कुछ गलत नहीं किया।
तुम अपने आप को दोष मत दो। क्या कर बैठे? हमारी तरफ देखो पवित्रा। जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। यही सच है कि हम पति पत्नी हैं और हम इस रिश्ते की इज्जत करते हैं। शादी के वक्त हमने नैना के साथ फेरे लिए, पर भगवान के सामने वो फेरे हमने तुम्हारे साथ लिए थे। सच यही है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और इस सच को नैना को समझना होगा, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार हो गई है, बहुत मजेदार। एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए उसके प्रेमी से शादी की, और जब बड़ी बहन की याददाश्त वापस आई तो अपनी छोटी बहन की दुश्मन हो गई। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है, याददाश्त वापस आने के बाद भी कुछ दिनों पहले उसके साथ क्या हुआ तो कुछ भी याद नहीं। अब इस बात का फायदा ना उठाएं तो क्या करें? क्या करें बोलो। कौन है? हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? तुम क्या सब सो रहे थे? वो किसी भी हालत में तुम्हें मिलने चाहिए और यहां तक नहीं पहुंचने चाहिए, समझे तुम? इन दोनों बहनों को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तीनों भाग गई हैं, वरना ये हमारे इशारों पर नाचना बंद कर देंगे। दीदी, हमको तो ये हमरा गांव नहीं लग रहा। अरे सुनो सुनो, ये कौन सी जगह है? हकीमपुरा। किसी पीसीओ से नैनो को फोन करते हैं। हाँ, वो चल। छोटे ठाकुर, जरा देखो, बड़ा हो सकता है। क्या देखना चाहती? बड़ा कीजिए ना। देखो ही आदमी महंत है। महंत? जबरन कहा बोले तू? कहा बोली जा रही है? हाँ माई, क्योंकि पिछले दशहरे पे हमने पायल, छमो और कजरी ने मिलकर ये रुद्राक्ष वाला कलाई बन बनाया था। मतलब हमारा शक सही था। लेकिन महंत जी तो हवालात में है, वो कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि छूट गए हो। हमें नाना को चल के बताना चाहिए। नैना, दरवाजा खोलो। चली जाओ यहाँ से कृष्णा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दरवाजा खोलो दीदी। देखो, हमें पता चल चुका है कि छुटकी चाची और डिम्पी कहाँ कैद हैं। दीदी, हम जानते हैं कि आपको हमसे बहुत शिकायत है, पर ये बखत गलत को सजा देने का है। दरवाजा खोलो दीदी। दीदी, हम जानते हैं कि आपको हमसे बहुत शिकायत है, पर ये बखत गलत आदमी को सजा देने का है। नैनू का फोन तो लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। क्या करें? कृष्णा, कृष्णा का नंबर है किसी के पास? घर का नंबर है ना, उन्होंने ही तो बताया था कि नैना दीदी के नंबर में से 9322 हटा के 0654 लगा दो तो उनके घर का नंबर बन जाता है। हेलो,
हेलो कृष्णा। हाँ कौन? अरे हम चुलबुली बोल रहे हैं, नैनू की चाची, समझे कि समझाएं। चुलबुली चाची, आप कहाँ हैं? चाप्स, चाप्स आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? नैनू प्रॉब्लम में थे, अब ठीक है। जरा पूछो ना, हमारी चुटकी चुटकी है। चाप्स चुटकी है आपके साथ? हाँ अभी बात कराते, ये लो हमारी चुटकी। हेलो चुटकी माई, कैसे ने तू? कैसे ने तू चुटकी? मैं ठीक हूँ माई। माई चुटकी तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दीदी। हाँ हमें भी बात करने दो चुटकी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग कहाँ पर हो? मैं अकीनपुरा गांव में हूँ। अच्छा वहाँ पर जो बस अड्डा है उसके पास ही एक माता का मंदिर है, मान मंदिर के पास ही रहना, हम तुम लेने आ रहे हैं। ठीक है कृष्णा, जल्दी से उनको लेके आओ, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है हम आते हैं। नैना नैना, ये भी क्या बात हुई? जब याददाश्त नहीं थी तो यहाँ पर रह रही थी, अब याददाश्त आ गई तो इस घर को छोड़कर जाओगी? ऐसे पुलिस को खबर की है तुमने? हाँ बुलाया है मैंने पुलिस को। तुमने इस गांव की लड़कियों के साथ जो किया है उसकी सजा तो मैं मिलनी चाहिए। ना तुम्हें याद नहीं, उसके लिए तो महंत जेल जा चुका है। हाँ और अब बाहर भी आ गया है और तुम्हारे कहने पे जुर्म कर रहा है, सब बताऊंगी मैं पुलिस को। पर तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? चलो बोलो। सब करेंगे मेरी बात पे यकीन, और उसके बाद मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या है ना, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, सिंदूर भरा है हमने तुम्हारी मांग में। दूसरी शादी इलीगल होती है मिस्टर ठाकुर। अरे तुम्हारे शहर के कानून में होती होगी नैना, हमारे गांव में नहीं। गांव वालों की नजरों में तुम हमारी धर्म पत्नी हो, अगर ये गांव छोड़कर तुम जाओगी तो गांव वाले खुद तुम्हें पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे और यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। छोड़ो मेरा हाथ। अगर आजादी चाहती हो ना नैना, तो दूसरे के पट्टे में टांग अड़ाना बंद कर दो, वरना अपनी पत्नी पर हक जताना हमें अच्छे से आता है। वैसे भी सबूत तो तुम्हारे पास कोई है नहीं, और पुलिस किसी भी वक्त यहां आती होगी। अब पुलिस को क्या बोलना है अब तुम ये सोच कर रख लो, वरना अगर हम अपने करने पर उतर आए तुम्हारे परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ेगा। अगर जैसा हम कहते हैं वैसा करोगी तो नैना हम तुम्हें तलाक दे देंगे, आजाद कर देंगे तुम्हें। अब क्या करूंगी मैं? बोलो नैना। हाँ नैना जी कहिए, किस लिए बुलाया था हमें, क्या बताना है आपको? हाँ हाँ बोलो नैना। बता दो दीदी जो कछु आपको पता है। बोलना नैना बिटिया। नैना घबराओ मत, बता दो। अरे आप सब इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं कहना है मुझे, कोई गवाही नहीं देनी है मुझे। नैना तू ही तो बोली थी ना कि तू ठाकुर साहब के खिलाफ बयान देना चाहती है पुलिस को। नहीं मैं कुछ नहीं कहने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कोई गलतफहमी हो गई थी। प्लीज अगली बार हमें फोन करने से पहले अपनी सारी गलतफहमियां दुरुस्त कर लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब इनके सिर पे चोट लगी है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। चलो हवलदार। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है इसीलिए मैं इस गांव में तुम्हें ढूंढती हुई आई। जब से यहां आई तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारी जैसी बहन किसी को ना मिले। दीदी
हम दोनों की माँ इस बात की गवाही की तुमने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया, कि चाहे आप हमें जो भी सजा दे दो पर हमसे नाता ना तोड़ो। हम भी बहुत तड़पे हैं आपके लिए, भगवान के लिए हमसे दूर जाने की बात ना करो। आपको आपको जो सजा देनी आप दे दो। अच्छा तो हमसे माफी पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी? हाँ कुछ भी। ठीक है चलो मेरे साथ शहर।